जिस तरह हमारे बॉर्डर के एरिया, फार फ्लांग एरिया और पहाड़ी एरिया के अंदर सरकार की और कुछ नेताओं की सोची समझी साजिश की वजह से हमारे बच्चों को अनपढ़ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल टक्कर है, जहाँ पे पिछले 5 साल के ना तो मैथ्स का लेक्चरर है, ना ही इंग्लिश का लेक्चरर है, और काफी सारे लेक्चरर जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे लेक्चरर की जो कमी है, जो स्टाफ की बहुत कमी है। इसके साथ साथ जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल अर्जनी एरिया में है, सभी ऐसा कोई स्कूल नहीं है, हाई सेकेंडरी नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल नहीं है, जहाँ स्टाफ की कमी नहीं है। मैं आपकी माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो LG साहब हैं उनको कहना चाहता हूँ, LG साहब, डायरेक्टर एजुकेशन जी को इमीडिएटली बताया जाए कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। और मैं आपकी चैनल की माध्यम से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब तक हमारे दखर के अंदर स्टाफ पूरा नहीं होगा, जब अडानी स्कूलों के लिए स्टाफ पूरा नहीं होगा, हम थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे, अगर बात नहीं हुई, नहीं बात स्टाफ की बात की, तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। जम्मू में स्कूल का छड़ा ना है हाई सेकेंडरी स्कूल टक्कर, ना इतने लेक्चरर है, कोई 2-3 लेक्चरर, और इंग्लिश का ही लेक्चरर कोई पिछले 5 साल तो नहीं है, और बाटनी का किन्ने किन्ने असें खैर इन्ने ना नहीं होंगे, तो इस करिए प्रोटेस्ट करा ना प्रशासन ये खिलाफ कोई तिखा कार्रवाई करा तो ना गै प्रिंसीपल, इस करिए ये सारे लोग प्रोटेस्ट करा रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।